रातों रात अगर आपके कानों में ये खबर सुनने में आए कि शरद मल्होत्रा अब एक्टर नहीं रहे बल्कि एक्टिंग को छोड़ अब वो सेना में भर्ती हो गए हैं, अब वो भी देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और उसका सबूत है शरद मल्होत्रा का ये आर्मी वाला यूनिफॉर्म। जरा देखिए आर्मी ऑफिसर बनकर इनका सीना कैसे चौड़ा हो गया है, और हो भी क्यों नहीं, इतने सारे मेडल्स जो मिले हैं। बहुत बड़ी बात है अगर आप यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन कभी मौका नहीं मिला क्योंकि मैंने से कभी किरदार नहीं निभाए, बट चाहे वो म्यूजिक वीडियो हो या एड हो या टेलीविजन हो या फिल्म हो, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रहती है। तो आई थिंक जब मुझे मौका दिया गया तो मैंने उसे दोनों हाथों से ग्रैब किया। टेलीविजन के साथ अगर मौका मिलता है कुछ और करने का, कुछ नया करने का, तो आई थिंक अच्छा लगता है क्योंकि हर रोज़ आप 12 घंटे वही कर रहे हैं, उसी किरदार को प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक जब कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ इंटरेस्टिंग करने का जब मौका मिलता है तो आई थिंक एक एक्टर को बहुत खुशी मिलती है। शरद मल्होत्रा अपने इस नए लुक में खूब जच रहे हैं, तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि आखिर शरद ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें सेना में भर्ती होना पड़ा। यहाँ पर एक म्यूजिक वीडियो शूट हो रहा है जहाँ पर कहानी है एक शादीशुदा जोड़े की। पति सेना का जवान है और अभी अभी उनकी शादी हुई है। शादी के अगले दिन ही बॉर्डर से बुलावा आ जाता है और इस जवान को अपनी पत्नी को छोड़ देश की सेवा के लिए जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि शरद ये वीडियो कर रहे हैं और लिप्सा हमारे साथ हैं। लिप्सा एक्चुअली उड़ीसा की एक सुपरस्टार हैं, उड़ीसा के टेलीविज़न इंडस्ट्री की काफ़ी बड़ी सुपरस्टार हैं। मुंबई में अब उन्होंने कदम रखा है और ये उनका सेकंड वीडियो है। खुशी की बात ये है कि शरद जी के साथ उनकी वाइफ बन के मैं काम कर रही हूँ, और डबल खुशी ये चीज़ में है कि मैं एक सोल्जर की वाइफ बनी हूँ इस वीडियो में। ये सीन हूबहू वैसा ही है जैसे बॉर्डर फिल्म में आपने सुनील शेट्टी को करते हुए देखा था। वैसे अगर शरद मल्होत्रा की बात करें तो अपने शूटिंग शेड्यूल से हटकर वो ऐसे म्यूजिक वीडियो शूट करते ही रहते हैं, और अच्छा भी तो है, इसी बहाने इनके फैंस को कुछ नया देखने मिलता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।